दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं जहां पे वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया अपना पावर और बता दिया इंग्लैंड को कि हम किसी से कम नहीं है, हमें वीक मत समझना। तो पहले ओडीआई में जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड के दिए हुए 326 रन के टारगेट को चेस किया है, उससे इंग्लैंड भी सरप्राइज हो गया। वे वेस्ट इंडीज की यंग टीम, उसके पास पावर एंड एबिलिटी दोनों है। तो अब बात करते हैं सीरीज का दूसरा ओडीआई जो कि मैच खेला जाएगा 6 दिसंबर को, नॉर्थ साउथ एंटीगुआ सर विलियम रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जाने वाला है। तब ये सीरीज की पूरी तरह ओपन हो गया और मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं। तो मैच के दिन वेदर क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ का पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है, फास्ट बॉलर को बाउंस मिलेगी, रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड बात करें, टोटल ओडीआई मैच 103 खेले गए हैं जहाँ पे इंग्लैंड 52 मैच जीती है तो वेस्ट इंडीज 45 मैच जीती है, नो रिजल्ट 6 है। अब अगर बर्तन चलते हैं इंग्लैंड टीम का शॉट एनालिसिस करते हैं। टीम की बैटिंग लास्ट मैच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी, टीम ने एक बड़ा टारगेट बनाया था। लास्ट मैच में टीम के ओपनर फिल शॉर्ट और विल जैक ने टीम को अच्छी स्टार्ट दी थी, फिल ने 45 रन बनाकर आउट हुए थे। नंबर 3 पर जैक क्रॉली जो टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर, उन्होंने भी 48 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में बेन डकेट और हैरी ब्रुक टीम को बैलेंस देंगे। ब्रुक ने लास्ट मैच में 71 रन बनाए थे। जॉस बटलर यहाँ पे फेल थे, ऑलराउंडर सैम करन और लाइम लिविंगस्टीन टीम की स्ट्रेंथ है। अगर करन ने लास्ट मैच में गेम को अच्छा फिनिश किया। बॉलिंग टीम की लास्ट मैच में काफ़ी वीक देखी गई थी। फास्ट बॉलिंग में बात करें तो ब्रीटॉन कार्स को एक विकेट मिला था लेकिन उन्होंने 71 रन पिटवा दिए। वहीं अगर गस अटिक्सन टीम के फेस्ट बॉलर थे जिन्होंने 63 रन देकर 2 विकेट लिया था। स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो रहमान अहमद सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 40 रन देकर 2 विकेट लिए थे। सैम करन को बॉलिंग में बहुत मार पड़ी थी, उन्होंने 10 ओवर में 98 रन दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लैंड का की प्लेयर देखते हैं जहाँ पर जॉस बटलर हैं, सैम करन है, हैरी ब्रुक है। अब अगर बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम का शॉट एनालिसिस करते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए लास्ट मैच में यादगार था, टीम ने इंग्लैंड जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को हराया। टीम के कप्तान साई होप जिन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली और सेंचुरी बनाया और लास्ट मैच में भी जिता दिया। टीम के लिए ओपनर की बात करें तो ब्रैंडन किंग एंड एलिक अटेंजर ने टीम के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट किया, दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की। नंबर 3 पे जहां कैक्सी काटी लास्ट मैच में फ्लॉप थे, अगर हार्ड हिटर बैटमैन जहां पे सिमरन हेटमायर बैट से ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक्सपीरियंस बैटर सरफेन रदरफोर्ड एंड रोमारियो रदरफोर्ड ने अच्छा खेला, दोनों टीम को बैलेंस करते। बॉलिंग टीम की मांगी रही थी लेकिन सभी बॉलर्स ने विकेट लिया था। फास्ट बॉलर की बात करें तो जहां पर अल्जारिस जोसेफ टीम के वाइस कैप्टन है, रोमारियो सफेद ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे। ओसेन थॉमस ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, 57 रन देकर 2 विकेट लिए थे। स्पिनर जी मोटी ने टीम के बेस्ट बॉलर है, उन्होंने 49 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं की प्लेयर देखते हैं जहाँ पे वेस्ट इंडीज के की प्लेयर है, साई होप है, हेटमायर है, ब्रैंडन किंग है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में वेस्ट इंडीज है क्योंकि वेस्ट इंडीज इस मैच को भी इजिली वे में जीत सकते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड को हार मिल सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।